नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संगीत वाजपेयी एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल आर ग्रीन प्लैनेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर सकते हैं खीरे के पौधे को बहुत ही आसान तरीके से, और मैं तो ये भी कहूंगा कि आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक तो आप इसको मार्केट से सीड लेकर आते हैं और उससे आप इसकी सीडलिंग करके इसको ग्रो कर सकते हैं, और दूसरा मेथड जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जी हाँ दोस्तों, इसके सीड हमारे घर पे भी होते हैं। जब हमारे घर में खाने के लिए खीरे आते हैं मार्केट से, जो हम फ्रेश खीरे लेकर आते हैं, तो जब आप उसको लेकर आते हैं तो उसमें से कुछ थोड़ा सा मैच्योर, जो कुछ इस तरीके से आपको खीरा दिखे, वो खीरा जरूर लेकर आए अगर आप उसको ग्रो करना चाहते हैं। तो जैसे कि अभी हम इसको कट करते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये इसके सीड हैं। अब इसमें जो आपको सीड मिलते हैं, ये दो तीन तरीके के मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं इस सीड की बात करता हूं, तो ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है, ये देख के ही पता चलेगा ये, क्योंकि देखने में काफी हल्के से होंगे और इनकी सीडलिंग करने का कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन जो मैच्योर सीड होंगे वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, थोड़े से वो हेल्दी और मोटे होंगे। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सीड की आप सीडलिंग कर सकते हैं और कौन से सीड की सीडलिंग नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक दूसरे खीरे के ऑलरेडी सीड निकाल कर रखे हुए हैं, और इसमें मोस्टली दोनों तरीके के सीड हैं। कुछ आपको ये जो थोड़े से ज़्यादा येलो कलर के दिख रहे हैं और मोटे मोटे से दिख रहे हैं हेल्दी, ये प्रॉपर सीड है, इनकी हम सीडलिंग करेंगे और हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जबकि जो बाकी आप कुछ साइड में देख सकते हैं इस तरीके के सीड, ये अभी प्रोसेस में है और इनका कोई भी रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इनको अलग करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम इसीलिए ये सारे सीड यूज कर लेंगे और इसमें से जो प्रॉपर सीड है वो जर्मिनेट हो जाएंगे, और जो नहीं है उनका हमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इनको ग्रो करने से पहले मैं इसमें थोड़ा फंगीसाइड पाउडर ऐड कर दूंगा, और लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐड कर लें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। बस ये हमारे सीडलिंग रिजल्ट को थोड़ा सा अच्छा कर देंगे, इम्प्रूव कर देंगे, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। तो इसलिए मैं इनको थोड़ा सा इस पानी में ऐड करके फिर ये सीड की सीडलिंग करूंगा। तो ये तो बात हो गई कि आप ये सीड कहाँ से कैसे इनको मैनेज कर सकते हैं, कहाँ से लेकर आ सकते हैं, किस तरीके के खीरे से आपको इसके सीड मिलेंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम इसकी सीडलिंग कब करें। तो जनरली हम इनकी साल में दो बार सीडलिंग कर सकते हैं, एक जब हमारा विंटर सीजन खत्म होने लगता है, तो फरवरी मार्च के महीने में हम इनकी सीडलिंग कर देते हैं जब होली का टाइम होता है, और सेकेंड सीडलिंग हम करते हैं मानसून सीजन में, इस टाइम पे भी हम इनकी सीडलिंग करते हैं, और उसके बाद हमको वो अगस्त सितंबर तक खीरे खाने को मिलते हैं। जो मैं आपको बता दूं कि इन पौधों में फल आने के लिए इनको कम से कम 20 डिग्री से 30 डिग्री तक, इवन 35 डिग्री तक का भी टेम्परेचर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और इस टेम्परेचर पर ये काफी अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, काफी अच्छे से ग्रो करते हैं और देते हैं ढेर सारे खीरे। तो दोस्तों, ये मैंने लिया एक छोटा सा पॉट जिसमें कि मैंने लिया हुआ है सिंपल अपने गार्डन की सॉइल। इसकी जगह पे आप सैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन 50% गार्डन सॉइल और 50% सैंड में भी आप इसकी सीडलिंग करेंगे तो आपको पौधे शिफ्ट करते टाइम थोड़ा सा आसानी होगी, क्योंकि काफी इजिली निकल आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप प्योर सैंड में भी इसकी सीडलिंग करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको बराबर और उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए हम इसी में इसकी सीडलिंग कर देते हैं। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी सॉइल निकाल लेंगे और अब हम इसमें ही ये सारे के सारे सीड डाल देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको ये सीड थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन इसमें से प्रॉपर सीड बहुत कम है, बाकी जो भी इसमें है वो अभी प्रोसेस में सीड है, वो मैच्योर सीड नहीं है, और उनसे हमको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये हमने प्रॉपर सारे सीड चारों तरफ फैला दिए, और अब हम इसके ऊपर बहुत थोड़ी सी एक लेयर सॉइल की डालकर इनको ढक देंगे। तो हमारा अब ये प्रोसेस हो गया कंप्लीट, और अब हम इसमें देंगे थोड़ा सा पानी। तो हम दोस्तों इसको पार्शली शेडेड एरिया में रखेंगे, जहां मॉर्निंग और इवनिंग की 1.5 से 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है और बाकी डे टाइम में सनलाइट का रिफ्लेक्शन आता हो। तो अब मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं इसका आगे का अपडेट। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये है रिजल्ट 7 दिन के बाद का, जो कि हमने खीरे की सीडलिंग करी थी, और इसमें से अब आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से हमारे ये पौधे ग्रो हो रहे हैं, और कुछ अभी भी स्टिल प्रोसेस में है, और ये देखिए सीड लीव्स आ गई हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो दोस्तों, ये है अपडेट 1 महीने के बाद का, और मुझे थोड़ा ज्यादा ही लेट हो गया एक्चुअली आप इसको 15 से 18 दिन के बाद किसी दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर सकते हैं, पॉट में या फिर जमीन पर या फिर अपने टेरेस गार्डन में बनी हुई क्यारी पे।
लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया और स्किप कर गया और इसकी वजह से काफी लेट हो गया है। 30 दिन के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसके बाकी सारे जो भी पौधे ग्रो हुए थे मैंने वो सारे हटा दिए थे, क्योंकि मुझे अपने टेरेस गार्डन में सिर्फ एक प्लांट चाहिए था, इसलिए मैंने एक प्लांट ही रखा था जिसकी ग्रोथ सबसे अच्छी हो रही थी। और अभी ये पूरी तरीके से रेडी है, तो चलिए अभी हम इसको शिफ्ट करते हैं अपने दूसरे बड़े पॉट में। तो दोस्तों ये मैंने प्लास्टिक का बाथ टब लिया है। इसका लेने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये मार्केट में मिलने वाले इस साइज के गमलों के कंपैरिजन में काफी सस्ता है, मुझसे अगर गलती नहीं हो रही। इसको मैंने 130 से 140 रुपए में लास्ट ईयर खरीदा था, एक साल पूरा हो चुका है और ये दूसरा साल चल रहा है और अभी भी ये प्रॉपर और अभी भी कहीं से भी कमजोर नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा महंगे पॉट खरीदने से अच्छा है आप इस तरीके के बाथ टब खरीद ले। और इसकी साइज मुझे एक्चुअल याद नहीं है, लेकिन एक खीरे का पौधा ग्रो करने के लिए ये सफिशियंट साइज है। अदरवाइज अगर आप पॉट यूज करना चाहते हैं तो उसकी साइज कम से कम 18 इंच की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे छोटे पॉट में अपने खीरे के या किसी भी वेजिटेबल प्लांट को ग्रो करते हैं स्पेशली वाइन्स को, तो उसमें बड़ी जल्दी रूट फाउंडेशन हो जाएगा। इसलिए बड़ी साइज ही मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अगर आप किसी भी वेजिटेबल वाइन को अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर रहे हैं तो। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसकी सॉइल की। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आप सॉइल देख रहे हैं इसमें मैंने बेसिकली तीन चीजें ऐड करी थी। इसमें मैंने बेसिकली तीन चीजें ली हैं जिसमें कि तीनों को बराबर मात्रा में लिया है। इसमें मैंने लिया 33% मिट्टी जिसमें ऐड किया है मैंने, 33% सैंड जिसको कि बालू या रेत कहते हैं, और उसी में मैंने ऐड किया है 33% वर्मी कंपोस्ट, उसकी जगह पे आप गोबर की खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें इसमें प्रॉपर तरीके से अभी मिक्स होकर हमारी ये सॉइल रेडी हो गई है और अभी हम इसमें ही अपने इस पौधे को लगाएंगे। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप किसी भी प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, स्पेशली अगर वेजिटेबल का प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो उस पॉट का ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा होना चाहिए। आप जिस भी पॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बॉटम में प्रॉपर होल होने चाहिए ताकि आप जो भी पानी डालें तो एक्स्ट्रा वाटर जो भी हो वो ड्रेन आउट हो जाए। पानी अगर आपके गमले में रुक रहा है तो आपका पौधा खराब हो जाएगा और उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो भी दोस्तों हमारा खीरे का पौधा लगकर हो गया है रेडी, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं इसका आगे का अपडेट। तो दोस्तों ये है अपडेट 58 डेज के बाद का, और अभी आप देख सकते हैं कि मेरे इस खीरे के पौधे में काफी ढेर सारी कलियां आ गई हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये हैं फीमेल कलियां। और मेरे पास काफी क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से मेल फ्लावर है कौन से फीमेल फ्लावर है। तो हमेशा याद रखिए कि जो भी फीमेल होती है उसमें बहुत छोटी साइज उस फल की होती है, जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं इसमें भी आप देख सकते हैं कि छोटा सा खीरा बना हुआ है, यानी कि ये फीमेल है। और जबकि अगर हम मेल की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ सिंपल और सिंपल वो फूल होता है, उसमें नीचे खीरे की साइज आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपकी कौन सी कली फीमेल है और कौन सी कली मेल है। और मैं हमेशा आपको अपने हर वीडियोस में बोलता हूं कि जब भी आपका प्लांट ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, जब भी आप उसको बड़े पॉट में शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करने के 25 से 30 दिन के बाद से जब आपका प्लांट ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, उसमें कलियां और फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हर 15 से 20 दिन के गैप पर उसको फर्टिलाइजर देनी होती है। तो यहां पर भी अगर आप चाहते हैं कि आपका खीरा का पौधा काफी अच्छी तरीके से ग्रो करे तो हर 15 से 20 दिन पे आपको इसको बदल बदल कर फर्टिलाइजर देते रहना है। क्या फर्टिलाइजर देनी है, कैसे देनी है, उसकी हम बात आगे करेंगे। तो दोस्तों ये है फाइनल अपडेट 68 डेज के बाद का, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मेरे खीरे काफी अच्छे तरीके से बढ़ गए हैं। सिर्फ 10 दिन में जो भी मैंने आपको कलियां दिखाई थी, 10 दिन का ये रिजल्ट है, 10 दिन में ये खीरे इतने बड़े हो गए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ये ग्रो हुआ है मेरा पौधा। जिसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके की फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अगर आप अपने टेरेस में गार्डनिंग कर रहे हैं, वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं बोन मील, फिश मील, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, सरसों की खली। आपको हर 15 दिन पर एक बदलकर फर्टिलाइजर देनी है ताकि आपके प्लांट को मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिले,
हर तरीके का न्यूट्रिशन मिले, एक ही फर्टिलाइजर को बार बार अपने पौधे को देते ना रहें। अगर आपको ये सारी फर्टिलाइजर परचेज करनी है तो इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हैं, तो आप वहां से भी जाके इनको परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप में से जो भी पहली बार मेरा चैनल देख रहा है तो प्लीज रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, और मेरे वीडियोस को सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल वाले बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो हमारा अपना चैनल आर ग्रीन प्लेनेट। फिर मिलूंगा आपको अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।